हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरण कमल में प्रणाम निवेदन करते हुए आज भागवतम की इस श्लोक को यथारूप दोहराने की मैं प्रयत्न करूंगा। जड़ भरत जी अभी राजा रघुगण को ये उपदेश दे रहे हैं कि मन किस प्रकार जीवात्मा को इस संसार में बांधता है और झूठी मोह व ममता उत्पन्न करता है। और यदि हम इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और ममता से, झूठी ममता से मुक्त होना चाहते हैं, तो मन को इस शरीर की जो पहचान है जिसको कहते हैं आत्मलिंगम, मन जब तक इस शरीर का मतलब क्या है, दोनों शरीर है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शरीर क्या है, मन। तो मन ही वास्तविक इस संसार को, जीवात्मा को लेके आता है। तो न जाबत एतद मन आत्मा लिंगा आबपनम, ये संसार भी खेत, हाँ, जहां हम क्या उत्पन्न करते हैं खेत में, ये खेत में क्या प्रोडक्शन करते हैं, ये शरीर रूपी खेत में हम क्या प्रोडक्शन करते हैं, शोक मोह अमाया लोभ, ये जनस्य सभी लोगों का ये खेती में प्रोडक्शन होता है कि नहीं। शोक, शोक का अर्थ क्या है जानते हैं? शोक का अर्थ क्या है? कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुआ था, शोक हुआ। ठीक डेफिनेशन है। गीता में क्या है शोक का डेफिनेशन, किससे शोक होता है? हाँ, अशोचारंग नान शोचस्तम प्रज्ञावादस, किसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। शोक किससे उत्पन्न होता है? मोह से। हाँ, और ममता, ममता से उत्पन्न होता है शोक। तो अर्जुन के मन में क्यों शोक उत्पन्न हुआ था? क्योंकि वो सोच रहा था ये सब मेरी संबंधी है, ये मेरी गुरुजन है। और दूसरा क्या है कि उनको मार करके मुझे पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा, मुझे ये मेरा, और ये सब मर जाएंगे। तो ये शरीर के प्रति झूठी आसक्ति व ममता ही ये शोक के कारण है। इसलिए जो ज्ञान की सीढ़ी में चढ़ना चाहता है, ज्ञान रूपी सीढ़ी में, पहला क्या धारणा रखना चाहिए कि शोक से मुक्त होने के लिए? पहला भगवान ने क्या फाइनल इंस्ट्रक्शन दिए शोक को निवारण करने के लिए? मां सुचा, चिंता मत करो, सोचो मत, डरो मत। क्या करने से हम शोक से मुक्त होते हैं? पूर्ण शरणागत, इसको ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति आपका नहीं होता है, जाबत कृष्ण नते जना ताबत मोहांग्रि निगिडम
ताबात्कार गृहम गृहम, घर आपका क्या बन जाएगा? प्रिजिन हाउस। ताबात मोहांग्री निगिडम, सो क्या कहते स्लक्स, हाथकड़ी बेड़ी, ये मोह है, ये जीवात्मा को बांध के रखता है। और ताबात रागा दयस्तेना, चोर क्या है? आसक्ति। ताबात रागा दयस्तेना, ये जो डिजायर है, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कल प्रभुपाद बता रहे थे ना, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का ओरिजिन कहां से है? सेक्स डिजायर। पुंसा स्त्रीय मैथुन्य भावम एतत् तोयो हृदय ग्रंथिर आहो। तो ये मन जो है आत्मलिंगम, आत्मा को ये लिंग शरीर प्रदान किया है, आत्मलिंगम इसको कहते हैं, जिसमें भोग करने की इच्छा पैदा होता है, उत्पन्न होता है। जैसे खेत में बीज बोया हुआ है, लेकिन बारिश हो जाए तो तुरंत वो बीज से पौधा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये जो काम रोग है, जिसको हम कहते हैं हृदय रोग, ये पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन जब संग मिलता है, संग मतलब क्या है? धायतो विषयान पुंसः संगं तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, शोको मोह आमय राग लोभ, इस आगे बढ़ता है। इसलिए पहला हमारे मन को चोरी कर लिया है, ताबत रागादयस्तेना, हमारे धन, मन रूपी जो धन है, वो डिजायर रूपी चोर ने उसको चोरी कर लिया है। और ताबात कारा गृहम गृहम, और ये जो घर है, ये भी एक कारागार है, प्रिजन हाउस है, जिसमें आत्मा इस घर में बंद है। और मोह अंग्री निगिडम, अंग्री मतलब चरण में बंधा हुआ, बेड़ी कड़ी, भाष को कहते हैं श्रृंखला। तो जनस्य मोहम, ये संग से उत्पन्न होता है, संग, किसके मन में कोई डिजायर होता है, वो देख करके इंद्रियों के द्वारा वो विषय को देख करके, मेरा भी ऐसे हो, जैसे मैं मेरे उदाहरण, मेरी उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसे मैं देखा ना मास्क में, भाई ये जनरल मास्क क्या है, ये अच्छा है क्योंकि वो टाइट होता है, डिजायर उत्पन्न होता है कि मुझे भी ऐसे ही होना चाहिए, वेंटिलेशन वाला मास्क। तो संसार में जो भी कुछ हम इंद्रियों के कांटेक्ट में आता है तो डिजायर होता है, इसको कहते संग, विषय के संग। और जब तक कोई पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होता है, तब तक उनकी डिजायर खत्म नहीं होता है। कामं चुदास्य नतु काम्य काम्या, जथ उत्तम श्लोक जनाश्रया रति, पूर्ण आश्रय से रति उत्पन्न होता है, जनाश्रया, जो भगवान की शरणागत हो चुके हैं उनके आश्रय लेना चाहिए, तब फिर दास्य भाव उत्पन्न होगा, वही तो सिखाएंगे, नहीं तो आत्मलिंग, ये आत्मा अर्थात मन, इस जड़ शरीर को धारण करके तब तक रखता है कि जब तक उनके अंदर ये भोग की इच्छा है, टेंडेंसी, ये तब तक नहीं मिटता है। ऋषभदेव कहते हैं प्रीति न जाबत मई वासुदेव, नौ नंबर श्लोक है, नहीं छह नंबर श्लोक शायद,
न मुच्यते देह जोगात ताबत प्रीति न जाबत मई वासुदेव। जब तक भगवान के प्रति अनन्य भक्ति व प्रीति उत्पन्न नहीं होता है तब तक ये लिंग शरीर से मुक्त नहीं हो सकता है आत्मा, क्योंकि मन इस वासना की वशीभूत है। एवं मना कर्म वसंग प्रयुक्ते, इसलिए काम वासना रहने के कारण व्यक्ति कर्म करने के लिए उत्साही होता है, अपने काम ही सबको काम में लगाता है। और ये काम क्यों होता है? अविद्यात्मनि उपधीयमाने, अविद्या से, अविद्या काम कर्म भी, कुंती महारानी का स्तुति है। अविद्या काम कर्म भी, इसलिए इस अविद्या को नष्ट करने के लिए कुंती महारानी कह रही हैं कि आपकी जो लीला कथा है संसार में ये दी है कि लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सुनने पर ये अविद्या से मुक्त होते हैं। लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संगीता, वास्तव में इसलिए ये सात्वत भक्तों के लिए संहिता हित करने वाले हैं ये भागवत। और मार्किन संघ में प्रभुपाद ही लिखते हैं ना, हे कृष्णा, यदि ये लोग जो रजगुण और तमगुण से युक्त हैं, यदि आपकी कथा सुनने के लिए थोड़ा उत्साह, नहीं कान से ही कथा को सुनने के लिए उत्साही होंगे, तो फिर उनकी ये सब काम वासना ये अविद्या नष्ट हो सकता है। और प्रभुपाद तुरंत वो श्लोक आवृत्ति करते हैं, सुनताम सुकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति श्रोत्सतम विधूनति विशेष धूनति, ये धो देता है ये कथा। इसे अभी 3 दिन पहले इतनी 5 मिनट हुआ बारिश खचाखच, उस फ्लोर में जितनी सारी कचड़ा था पूरा साफ कर दिया पटापट 5-10 मिनट में। तो उसी प्रकार तीव्रेण भक्ति जो गए ना, जो कथा सुनने के लिए इतने उत्साही होता है, तो देखो तुरंत जितने हम इंक्लाइंड होते हैं उतने जल्दी ये हृदय की मैल साफ हो जाता है। लेकिन रोग इसमें है, आमाय क्या है कि हमारे कथा सुनने के लिए रति नहीं है। कहते प्रायसु अभद्रम नष्टम नित्यम भागवतम सेवया। प्रभुपाद तो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि रेगुलर सुनना चाहिए, लेकिन किस प्रकार सुनना चाहिए व्यासदेव जी इसकी विधि भी बताए हैं। श्रुणताम श्रद्धया नीतम गृणंतस्य स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विसते हृदि। ये कथा को कैसे सुनना चाहिए? श्रुणताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से युक्त होकर की श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गृणंतस्य स्वचेष्टितम, जो कुछ सुने हैं इसको बोलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कोई ना सुने तो दीवाल को सुनाओ, और न अति दीर्घेण भगवान विसते हृदि, देर नहीं लगाएंगे भगवान हृदय में। हृदय में प्रकाश दे रहे हैं, भगवान तो परमात्मा रूप में हैं, लेकिन उस समय वो साधक को डायरेक्ट गाइड करेंगे, मतः स्मृति। उस समय भगवान उसको स्मृति प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे और अपहोनम दूर कर देंगे। नहीं नहीं, अविद्या उनको उनसे दूर हो जाएगा, क्योंकि अविद्या आत्मनि उपधीयमाने, इसको प्राप्त किया है मन। इसलिए अविद्या के बाद काम उत्पन्न होता है और कर्म भी, और काम वासना उत्पन्न होते ही व्यक्ति कर्म में लग जाता है। पुणे में एक ब्रह्मचारी था, तो मैं 2012 में जाता था, गुरु महाराज ने बॉम्बे भेजे थे वहां से पुणे जाने, तो वो क्लास में आया था।
मैं उनसे पूछा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो अब आश्रम छोड़ दिए? कहते हाँ प्रभु जी क्या करें। तो फिर उनके थोड़ा बात करते करते उन्होंने कहा कि सचमुच हमारा जो मिसकंसेप्शन है और उसमें हमारे डिसीजन गलत होता है, मिस डिसीजन। तो आश्रम लाइफ तो मैं मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन अभी देखिए आश्रम में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता था, प्रोग्राम मॉर्निंग प्रोग्राम में आनंद मिलता था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो इसलिए वो नौकरी में अभी जा रहा है, कहते हैं मुझे 13 घंटा 14 घंटा 10 घंटा ड्यूटी है, ट्रेन में जाना आना तो उसको 3 घंटा सफ़र करना पड़ता है। और कहते बच्चे बड़े हो गए, उनको स्कूल छोड़ने के लिए भी बैग उठा के मैं जाता हूँ। ये है काम उत्पन्न होने से कर्म में लगाएगा आपको। जब तक हम भगवान की सेवा के लिए वॉलंटरली स्वतः ये इच्छा नहीं करते हैं तो माया हमको फोर्स करेगा। इस अंगुल में नहीं निकले, इसको कहते अविद्या। ये डिसीजन, ये गलत डिसीजन जो है यहाँ हमारे मन में, हम लोग शास्त्र समझते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन प्रयोग करने में गलतियां हो जाता है। और ये होता है किससे? जो हम कहते राग और द्वेष, इच्छा द्वेष। गलतियां देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों की द्वारा हम शिकार हो जाना ये गलती है। दुख को देखा लेकिन दुख में दोष देखा, दुख दोषानुदर्शनम, लेकिन उस दर्शन को प्रयोग करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए कि क्या है इसमें। हम दूसरे को उंगली दिखाते हैं कि इसके कमी है, लेकिन अपने अंदर कुछ सुधार के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। दोष देखना है तो अपने अंदर दोष देखना चाहिए, लेकिन ये रोग हैं कि हम दूसरे के दुख दोष को हम निकाल सकते हैं, लेकिन अपने दोष को हम निकाल नहीं पाते हैं। क्या दोष है? इसलिए ज्ञान जो ज्ञान में जो अवस्थित हैं, भगवान कहते हैं जन्म इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख देखो और दोष को भी देखो। हम भूले रहते हैं, देखते हैं कि मरते हैं। ये COVID-19 में कितने लोग चल गए, तबाह हो गए, हम तो देखते हैं अनुभव करते हैं, लेकिन फिर ही हम सोचते हैं कि हम अपने को सुरक्षा कर ले, लेकिन सुरक्षा हम किसको करें? प्रभु जी आज बता रहे थे, कहते प्रयत्न करना चाहिए नाम के ऊपर आसक्ति बढ़ाने के लिए। शरीर को सुरक्षा देना है, किस लिए? कारण क्या है कि मन को हम पूरी तरह से समर्पित कर दें। ये दुख जो हमारे सामने आता है कि मौत सबसे बड़ा दुख है, लेकिन दोष भी है साथ है। क्यों हम मृत्यु संसार में आए हैं? इसको कारण को निवारण करना चाहिए, तब फिर इसको कहते हैं ज्ञानासीन। ये अविद्या जो है इसको काटने के लिए पूर्ण ज्ञान चाहिए, और पूर्ण ज्ञान तभी मिलता है जब हम पूरी तरह से भक्ति योग में युक्त होते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, वो भक्ति प्रयोजिता ना कि दार्शनिका। भक्ति कभी दार्शनिक विचार से नहीं है, वो प्रयोजित प्रयोग से है। फिर उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? जनयति उत्पन्न होता है, आसु क्या उत्पन्न करता है? जनयति आसु वैराग्यम, ज्ञानम अहेतुकी, अहेतुकी ज्ञान है। तो इसलिए ऋषभ देव कह रहे हैं कि जब तक प्रीति न जावत,
जाबत मई वासुदेवे प्रीति नहा, जब तक प्रीति उत्पन्न नहीं होता है तब तक ये कर्म वासना से हम बच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन हृदय की वासना को कैरी करके लेके जाता है। जदा मन हृदय ग्रंथि रस्य कर्मानुबद्धं दृढ़ आश्लथेना तदा जनः संपरिवर्तयेस्मात् मुक्तः परं जाति अतिहाय हेतुम। इसकी मूल कारण क्या है? हेतुम ना ये विमुख होना, संपरिवर्तते भगवान से विमुख होना। जब तक जीव उन्मुख नहीं होता है भगवत सेवा के लिए तब तक माया ने इसको एकदम जकड़ करके रखता है। जैसे देखे ना, सांप की मुंह में जब मेंढक बा चूहा जाता है बहुत प्रयास करता है मेंढक निकलने के लिए, तो आवाज करता है ना डर बहुत जर, परंतु निकल नहीं सकता है। इसी प्रकार माया के श्रृंखला से हम लोग निकल नहीं सकते हैं। इसलिए ना संपरीतेतम कर्म अनुबंधम, ये दृढ़ शिकुली तभी तक होता है जब जीवात्मा भूल जाता है। इसलिए मन एक माध्यम है जिसको हम यूज करके इस संसार की बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और इस मन को मिस यूज करके हम इस संसार की कारागृह में आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं मन एव मनुष्याणं कारणं बंध मुख्यया बंधाय विषय संजोगे मुक्त निर्विषय मनः। मन जब निर्विषय होता है, विषय को भोग से अपने को मुक्त करता है तो मुक्त है, और जब विषय के साथ संजोग होता है, विषय के साथ किसकी संजोग करते हैं? इंद्रियों को, तो फिर वो बंधन के कारण होता है। आत्मैव ह्यात्मनं बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः बंधुर आत्मा आत्मनः तस्य जनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अनात्मनः, जो विषय नहीं है, आत्मा के विषय नहीं है, अनात्मना विषय, इंद्रियों को हम अपना ही समझ ले रहे, इसलिए विषय को जब हम भोग करने के लिए, विषय क्या है? विषाणु, विष जहर है, इसको जीवात्मा भोग करने के लिए चाह रहा कर रहे हैं। अमृत बलिया से ही खाए, इनको पता नहीं है कि जहर है, उनको लगता है कि अमृत है। तो ये जो है मोह है, ये अविद्या अविद्या से उत्पन्न है, और इसको काटने के लिए बड़े बड़े महाजन ने ये उपाय दिए हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर ने प्रार्थना कर रहे कि मनार बिंदाख्य धृदुर्ख्यते ताम, प्रभु कफ लास्ट में यही वर्ष उन्होंने ये किए हैं। क्या है वो श्लोक? मनार बिंदाख्य धृदुर्ख्यते ताम प्रिया प्रियैव विसुतं विसिन्नं मनारविन्दाख्यं दिद्रुख्यते त्वं। प्रभु मैं अपने मन कमल में आपको, आपके चरण कमल को धारण करना चाहते हैं, मनारविन्दाख्य दिद्रुख्यं दर्शन करना चाहता हूं, ये उत्कंठा। तो भक्ति योग का चरम सिद्धि इसमें है कि हम एक उत्कंठा उत्पन्न करें भगवान को दर्शन करने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में निष्कर्ष के रूप में सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, जस्य वे श्रूयमाणानं कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह तमन्नदो, शोक मोह भयापहम, शोक मोह और भय को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए एकमात्र औषधि क्या है? कृष्ण की कथा सुनना।
और किससे सुनना जो बहुत प्रभावित करता है, ये कथा तुरंत हृदय में प्रवेश करता है कथा। उसके स्टैंडर्ड भी बताया गया है क्या, निब्रूत तरसैर पगी अमाना भवौषधि श्रुत्वा मनोभिरामम् कौत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्जेत बिना पशुघ्नान। इनको छोड़कर ही पशुघ्ना को, लेकिन कथा कहने वाला कौन है, तर्स से मुक्त, भौतिक इच्छाओं से, मान सम्मान धन आदि से मुक्त। तर्स का मतलब यही है, मेटेरियल डिजायर्स, न धनम न जनम न सुंदरी, इससे मुक्त। और उसकी द्वारा गाया गया उपगीय मानव, हालांकि हम उस स्थिति में नहीं, लेकिन हम शुद्ध करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ये हृदय की ग्रंथि को, ओनली प्यूरिफिकेशन। इसलिए कथा के पहले, चाहे हम इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, ये कहते हैं कि ये कथा के द्वारा मैं अपने को पवित्र करना चाहता हूँ, मेरे चेतना को पवित्र करना चाहता हूँ। तर्स निवृत, और वो कथा क्या करता है, उपगीयमान भवौषधि, ये सांसारिक लोगों के लिए औषधि है जो भोग में लिप्त हैं, और मना जिसकी मुक्ति पाने की इच्छा है ज्ञानियों के लिए भी, वो निवृत्ति परक है, उनकी मुक्ति की इच्छा भी नष्ट हो जाता है। और अभिराम किसके लिए है, जो प्रेम भक्त है, वो आपस में चर्चा करके इस आनंद को प्राप्त करते हैं, बोधयंतम परस्परम, फिर उनकी निवृत्ति हो जाता है। परस्परानुकथनम पुण्यम पावनम भगवत जसह मिथो रति मिथो तृष्टि मीथो निब्रूत आत्मनः। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को बता रहे हैं, परस्परानुकथनम, ये कथा को आपस में चर्चा करके, पावनम भगवत जसा, ये पवित्र भगवान की कथा को चर्चा करके, मिथो तृष्टि आपस में सैटिस्फिकेशन, तुष्यन्ति रमन्ति अमितो निब्रूत आत्मना पुंस स्त्री अमिथुन भावम। मिथो हृदय ग्रंथि रे आहु, ये हृदय ग्रंथि को यही है मिथो तृष्टि, तो योर मिथो हृदय ग्रंथि आहो पुंस स्त्री मिथुनी भावम। आपस में ये चर्चा जो है, ये जो विषय की वासना है, सबका अंदर डिजायर पड़ा हुआ है, केवल संग करने मात्र से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए निवृत्ति होने के लिए कथा में प्रवृत्त होना पड़ेगा, बलपूर्वक हो, रुक एंड क्रुक कैसे भी हो। और एक समय आएगा इसमें, जैसे कहते हैं कि नदी को हम बांध बांध करके उसके पानी को रोकते हैं, लेकिन समय ऐसा आता है कि कभी कभी वो बांध टूट जाता है और तीव्र गति में जल की धारा बहती है। अथा विश्वेश विश्वात्पन्न विश्वमूर्त सुकेशु में रतिम उद्वहतम गंगा एवं उदन्नती। ये जो रति है वो इसी प्रकार प्रभावित होती है जिस प्रकार गंगा की धारा हर की पौड़ी में कितनी प्रबल वेग से बहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता तीव्रता से। लेकिन जल जब बहुत स्टोरेज होता है और ऊपर से नीचे बहता है, उसमें फोर्स होता है, तो उसी प्रकार जब हम परंपरा से ये कथा को प्रामाणिक रूप से सुनते हैं, ये रति उत्पन्न करता है।
और इसकी दृष्टांत आप देखिए कि यदि कथा में रति नहीं होता है, आप देख सकते हैं हमारे मंदिर में कौन एक व्यक्ति है जो कभी किसी क्लास मिस नहीं करते, ये क्या है? इसका मतलब रति है ऑलरेडी। कभी मिस नहीं हुआ है। एक हमारे मंदिर के लिए एक दृष्टांत है, क्या कह सकते, गौरव है। इसी प्रकार भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, जिसका रति उत्पन्न हुआ है, तो उसका पहला लक्षण है कथा में रति। मिथो दृष्टि, मिथो रति, मिथो निवृत आत्मना, और उसकी तर्स पूरा निवृत्त हो चुके हैं। जो कथा में इस प्रकार डिजायर उत्पन्न किया है, लालसा उत्पन्न किए हैं, कथा बोलने के लिए, कथा सुनने के लिए, दोनों, तो इसलिए ये संदेश ये श्लोक में राजा रघुगण ने दिए हैं कि ये जो मन है, ये शोक मोह अमाय, इससे मुक्त होने के लिए ये उपाय क्या है कि मन को ये वैर अनुबंध जो ममता है, हाँ, जो वैरी शत्रु उत्पन्न कर देते, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे मित्र है, ये किसको लेकर के होता है, ये अपना और पराई, ये किसको लेकर के होता है, अपना पराई का भाव क्या है, केवल अहंकार, ममका और ये पांडवा, ये कौरव थे लेकिन ये मंद बुद्धि है, आंख फूट गया था लेकिन भावना भी फूट गया है उसका, ये ममता अनुबंध न विधत्ते, यही प्रदान करता है, हाँ, ये बंधन और ममता, ये खेती से यही प्रोडक्शन होता है। इसलिए भगवान जब खेती करेंगे, किसान है ना कृष्ण किसान, तो ये जो पौधा अवांछित पौधा है इसको उखाड़ के फेंकते हैं। कृष्ण रूप किसान क्या करते हैं, ये धान के पौधा के साथ, खेती के साथ, धर्म के पौधा के साथ जो श्यामा घास उत्पन्न हो जाता है अवांछित, ये लगता है नहीं नहीं इसके बिना हम कैसे जिंदगी बिता सकते हैं, तो जिंदगी और जीवन ये अलग है। जीवन उसको कहते हैं जो साथ में बिता रहे हैं, और जिंदगी है एकांत। लेकिन भक्त लोग वो जिंदगी बिताते हैं कृष्ण को लेकर के, कृष्ण भक्त को लेकर के, वो जीवन है उनके। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता स्तुतिगता तनुभंग मनोभी, सुनते हैं एक कथा तो फिर संसारम आपपनम, और वो खेत में ये प्रोडक्शन नहीं होगा शोक मोह। समय हो चुका है, किसी के यदि कोई कमेंट और क्वेश्चन है तो दे, किसी कोई प्रश्न है नहीं है, प्रभु जी कुछ कमेंट। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में एक शब्द है, संसार ताप अवपनम जनस्य, आवपनम, संसार ताप अवपनम जनस्य, जो मन है ये जीव के लिए एक ऐसी भूमि है जिसके द्वारा संसार के ताप उत्पन्न होते हैं। तो जो भूमि होती है या खेत होता है तो उससे कुछ फसल होती है, और जैसी फसल होती है वो आपको फिर लेनी पड़ती है, आपको काटनी पड़ती है फसल। तो यहाँ पर मन की जो तुलना है वो की गई है एक ऐसी भूमि से या खेत से जिससे एक ही प्रकार की फसल होती है। आपके पास कोई खेत है तो फसल जो है आप जैसे चाहें वैसी फसल लगा सकते हैं, कोई तम्बाकू उगाता है और कोई चावल उगाता है ना, तो अच्छी फसल भी उगाते हैं, बुरी फसल भी उगाते हैं। लेकिन जो मन है ये एक ऐसा खेत है जीवात्मा के लिए जो कि संसार ताप
की फसल उगाता है। संसार ताप का मतलब है तीन प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आधि भौतिक, आधि दैविक। तो ये जो तीनों प्रकार के जो ताप हैं ये इससे उत्पन्न होते हैं, कोई दूसरी फसल नहीं उगेगी, है ना। तो ये जो मन है ये जीव के लिए संसार ताप का कारण है, है ना। तो यहाँ कहा गया कि जब तक ये मन जो है इस प्रकार से शुद्ध नहीं होता, तो प्रभुपाद बताते हैं कि दोनों का कारण है, बंधन का भी कारण है मन और मुक्ति का भी कारण है। तो जब तक ये मन जो है हमारे लिए ये खेत का काम करता है, जिसमें कि तीन प्रकार के ताप ही उत्पन्न होते हैं, तीन प्रकार की फसल उत्पन्न होती है, या तो आध्यात्मिक कष्ट मिलेगा, या आधे भौतिक कष्ट मिलेगा, या आधे दैविक कष्ट मिलेगा। तो कुछ ना कुछ कष्ट हमेशा मिलेगा, मिलता रहेगा, और आपको ये खाना पड़ेगा, इसको ग्रहण करना पड़ेगा, ये फसल लगातार उत्पन्न होती रहेगी, है ना। तो तब तक आप इस संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो ये मन जो है, फिर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि मुक्ति का भी कारण है, बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषयम मनः। अगर यही मन जो है अगर विषयों से मुक्त हो जाए, निर्विषय हो जाए, तो ये फिर मुक्ति प्रदान करेगा। तो मन का बहुत महत्व है, है ना। और गीता में भगवान कहते हैं आत्मभ्यात्मनो बंधु रात्मे ब्रूपरात्मनः, कि जो मन है यही आत्मा का बंधु है, यही आत्मा का शत्रु है। तो बंधु का भी कार्य कर रहा है और शत्रु का भी कार्य कर रहा है। बंधु रात्मात्मनस्तस्य से ये नात्मैवात्मना चेतः। तो ये मन है तो ये आत्मा का तब तो बंधु, उस समय बंधु होता है जब ये बस में आ जाता है, अपने बस में आ जाता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। लेकिन अगर इस मन को बस में नहीं किया तो ये शत्रु के समान व्यवहार करेगा, है ना। अब मन को बस में करने का जो उपाय है ये वो तरीका नहीं होता है कि आप इसको समझाएं और बस में करें, समझाने से ये समझ में नहीं आता है। इसके लिए एक ही उपाय है, क्या है, दंड। इसको आप दंड दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे मन को आप दंड दीजिए, है ना। तो सोते समय आप इसको झाड़ू से स्व झाड़ू मारिए, और जब आप जागते हैं तो स्व आप जोते मारिए। तो इस प्रकार से मन को जो है हम जब कठोरता से इसको जो है दमित करते हैं, तब ये मन जो है हमारा मित्र बनता है। तो किसी व्यक्ति को मित्र बनाने के अलग अलग उपाय होते हैं। किसी व्यक्ति को आप मित्र बनाते हैं तो उसको कुछ प्रेम के शब्द बोलते हैं, कोमल व्यवहार करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो आप उसको मित्र बना सकते हैं। तो कई प्रकार के उपाय होते हैं किसी व्यक्ति को मित्र बनाने के लिए। ये मन को अगर आप मित्र बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, और क्या है, पिटाई। इसकी पिटाई करना है। तो पिटाई के बिना जो है ये मन मित्र नहीं बनता है, है ना। इसलिए जो भक्त लोग हैं ये मन की खूब निंदा करते हैं, डांटते हैं, कि तू मन, तू भजन कर, तू जो है संसार में जाता है, तू बहुत दुष्ट है। तो इस तरह से जो भक्त लोग हैं ये मन को जो है डांटते रहते हैं। तो हमेशा डांट पड़े, इसको कहते हैं ताड़न, लालन और तालन। ताड़न दो तरह के होते हैं, कि बच्चे को जो है लालन किया जाए, 5 साल तक लालन किया जाए, 5 साल के बाद ताड़न किया जाए, तो उसकी रक्षा होती है, सुधरता है। तो मन के लिए जो है एक ही विधि है, वो क्या, ताड़न। लालन की विधि नहीं है। अगर मन कहता है, आप कहोगे हाँ ठीक है चलो तुम्हारी जैसी इच्छा, तो आप मन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मन जो है आपका शत्रु बना रहेगा और शत्रु की तरह कार्य करेगा। तो हमें जो है मन के ऊपर जो है अपना नियंत्रण करना है, और हमेशा डंडा रखना है उसके सिर के ऊपर, इसको जो है हमेशा मारपीट करना है, है ना। तो ये जो है मतलब विधि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई किसी के प्रश्न है? हरे बोल। हाँ माइक ले लो, माइक ले लो, माइक। ये जो श्लोक कोट किए थे वासुदेव भगवती, तो
इसकी थोड़ा मतलब वासुदेव भगवती भक्ति जोग प्रयजित जन इति आसु वैराग्यम ज्ञानं च जत अहेतुकम। ये जो प्रयोजिता जो शब्द यूज किए थे प्रभु जी, इसी यहाँ पे जो ये श्लोक रिलेट कैसे रिलेट करते हैं प्रभु जी? प्रयोजिता प्रयोग उसके लिए ही भक्ति की प्रयोग किस लिए करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक कांटा की प्रयोग किस लिए करते हैं, दूसरे कांटा को निकालने के लिए, लेकिन कांटा निकालने के बाद उसको फेंक देते हैं, वो ज्ञान की कांटा है ना, ज्ञान से अविद्या को नष्ट कर फेंक देते हैं। लेकिन भक्ति क्या है? प्रयोग करना है। वो क्या है? क्या दृष्टांत है? भक्ति को प्रयोग करना है। भक्ति की प्रयोग ये कहता है जी अविद्या है, प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं, जैसे दूध पी लिए है ना, दूध पी लिए हैं ये विषय और पेट गर्म हो गया, लेकिन प्रयोग करना क्या है? वही दूध को प्रयोग करना है। किस में प्रयोग करना है? इसको छाछ बना करके बात दही बना करके वो निवारण करता है, ठीक है। तो भक्ति जो को इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिए, वही कर्म जो हमको संसार में बांधता है, वही कर्म को भगवान की सेवा में लगाइए, मुक्त हो जाएंगे। ये है, वही सेवा कर रहे थे नारद जी है ना, दासी पुत्र के रूप में, लेकिन कहे कि मैं एक बार उनकी सेवा करके उनके उचिष्ट लिया, उचिष्ट लेपन अनुमोदित दिजई सकृत, एक बार भुंकते मैं उसको भोजन किया, तदपास्त कलमेशम सारे मेरे कलमस दूर हो गए। वैसे यदि आप कंपनी में नौकरी करेंगे तो क्या आपका कलमस दूर हो जाएगा? बल्कि और कलमस बढ़ता है, धन आने पर घमंड बढ़ता है ना, भौतिक भोग का और इच्छा बढ़ता है, पत्नी संतान इस प्रति, ठीक है। तो भक्ति वही कार्य है, लेकिन उसको केवल ट्रांसफर करना है, निर्बंध है कृष्ण संबंध, वही है मुक्त। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।